दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। अभी अभी जो मैंने कैलीग्राफी क्लासेस शुरू की हैं उस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं और मेरे आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज उसी क्रम में, कैलीग्राफी क्लासेस के क्रम में, मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत मजेदार लगेगा, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। आप उसे बनाएंगे, आप उसे सीखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आज मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं 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 आपको मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों मैं हूं दिलीप बावरिया, आप देख रहे हैं टीके एवरीथिंग चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया ट्यूटोरियल कैलीग्राफी पर। चलिए देखिए इस वीडियो को। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। ये देखिए कोरल ड्रा खुला हुआ है सॉफ्टवेयर, और आज के लेसन में मैं आपको एक शानदार चीज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलीग्राफी से ही रिलेटेड है, आज हम बनाएंगे ओम। जी हाँ, और उसके लिए मैंने लिया है ये देखिए, यह है आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने टूल यूज किया था वो टूल था ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रेसर टूल। इससे हमने बनाया था ओम श्री गणेशाय नमः। यदि आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करिए, या फिर नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले यहां पर आएंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर, और जब ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बार नीचे ऊपर खुला मिल जाएगा टास्क बार। इसमें आप देखिए अलग अलग टूल हैं। आज हमें लेना है पेन, कैलीग्राफिक पेन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूं, इसे हम क्लिक करेंगे और देखिए मैंने जितना भी स्क्रीन जूम की है ताकि आपको क्लियर दिखे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज यहां पर आप देखेंगे गौर से, तो यह है स्ट्रोक विड्थ। जो ब्रश का स्ट्रोक रहेगा उसकी जो मोटाई है वो हमें कितनी लेनी है, तो यह है 0.4 इंच, हमने लिया है 0.4 इंच। चलिए ये ब्रश लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका हाथ थोड़ा सा साधना पड़ेगा, जो कि आप निरंतर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें स्टार्ट करना है ओम। ओम आप बिल्कुल जैसे मैंने कहा था फ्री हैंड चला दीजिए, उसके बाद में उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर देखिए ये हो जाता है ग्राफिक एंगल, कैलीग्राफिक एंगल। कैलीग्राफिक एंगल हमने रखना है 120, ध्यान रखिएगा। तो ये देवनागरी ब्रश आपका बनेगा। देखिए जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आ बना करके मैं बताता हूं, ये देखिए एक मैंने सैंपल बनाया, अब इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। तो ये कैलीग्राफिक एंगल 120 रखेंगे तब ये देवनागरी लिपि आएगी, इसे हम कहते हैं देवनागरी, जो जनरली किताबों के छापने में उपयोग की जाती है। अब तो बहुत से फॉन्ट यूज होते हैं पर बेसिक देवनागरी लिपि है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ओम बनाना। तो आपने देखा जैसा हमने ब्रश ले लिया, इस ब्रश से कैलीग्राफिक टूल लेंगे जो है पेन, उसके बाद इसे आपने कर दिया 0.4 इसकी स्ट्रोक विड्थ, और कैलीग्राफिक एंगल किया हमने 120। अब स्टार्ट करेंगे हम ओम बनाना, यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, जैसा कि हम पेन चलाते हैं, एक स्ट्रोक और ये दूसरा, यहां पर हम छोड़ देंगे। अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है
तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए ये देखिए जहां पर मेरा माउस है, यह है शेप टूल, इसका शॉर्टकट है F10। F10 पुश करेंगे तो ये टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर आपको ये डॉटेड लाइन दिखेंगे, ये पॉइंट्स दिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसका कर्व ठीक नहीं है, इसे आप हटा सकते हैं, ये देखिए, और इसे भी आप हटा दीजिए, ये प्रॉपर कर्व आ गया। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे भी हमने हटा दिया, इस पॉइंट को डबल क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो पॉइंट वहां से हट जाएगा। इसे ठीक कर दिया, यहाँ पर भी देखिए ये कर्व ठीक नहीं लग रहा है, इसे भी हम ठीक कर सकते हैं। ये दो एरो आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको ले करके आप अपने हिसाब से इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये लगभग ठीक हो चुका है। अब हम फिर से ब्रश लेंगे, अब ओम का अगला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये निरंतर अभ्यास से आपको आ जाएगा, इसे आप थोड़ा सा और फ्लो दे देंगे हम ताकि और खूबसूरती बढ़ जाए इसकी। क्रॉस हो गई लाइन, आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये लिया हमने, ये आ गया। अब इसे फिर हम F10 या सेव टूल लेकर के क्लिक करेंगे और इसके कर्व को प्रॉपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर्व यदि गड़बड़ हो रहा है तो इस पॉइंट को हटाने से देखिए ऐसा हो रहा है, इसलिए आप कंट्रोल जेड कीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट हम और बना लेंगे और उसको फिर इस एरो से ठीक करेंगे। देखिए उसके बाद भी आप सेव दे सकते हैं, ये एरो है, इसको आप राइट में लेंगे तो ये आप अपना जैसा सेव चाहते हैं वैसा सेव आपको यहाँ का भी कर्व थोड़ा ठीक करेंगे, एक पॉइंट और बना देंगे जिससे ये कर्व प्रॉपर सेव में आ जाएगा। ये देखिए ठीक है। अब इसके ऊपर का भाग बनाना है, फिर से हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ऊपर ऑलरेडी आपका कैलीग्राफिक पेन सिलेक्ट है, सिर्फ आपको ब्रश पे क्लिक करना है और यहां पर हम इसका ओम का ऊपर की जो चंद्र बिंदी लगती है वो बनाएंगे ऐसा ऐसा। इसे भी यदि जरूरत है, यहां पर कर्व थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, फिर से हम F10 सेव टूल लेंगे, इसे क्लिक करके हटा सकते हैं और यहां पर क्लिक करके इसको आप अपना सुंदर आकार दे सकते हैं। अब यहां पर एक बिंदी रखना है तो दोस्तों उसका एक सरल तरीका है, आप एक सर्किल बना दीजिए, सर्किल बना के इसे अपन कलर से फिल करेंगे। देखिए ये कलर पे आकर के मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। इसमें फिलिंग के लिए आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। अब एरो लेकर के, एरो यानी पिक टूल लेकर के आप इसे अपने जहाज कहीं भी यहां से वहां ले जा सकते हैं। यदि आपको लगता है ये छोटा है इसे आप ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ओम बन चुका है, अब इसे हम और भी खूबसूरती लाने के लिए क्या करेंगे यह आप देखिए। तो दोस्तों ये ओम यहां तक हमने बना लिया था, अब इसमें हम क्या काम करेंगे देखिए। इसे और खूबसूरती लाने के लिए सबसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर जाकर के ब्रेक अपार्ट कर देंगे। आप यहां चेक कर लीजिए, ये देखिए यहां पर हम इसका राइट क्रॉस जो दिख रहा है आपको यहां पर, यहां देख सकते हैं आप, ये यहां इसे लेफ्ट यदि क्लिक करेंगे तो ये जो फिलिंग है इसकी हट जाएगी
और ब्लैक में आकर के राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन दिखेगी, जैसा हमने बताया था कि हमें इसके अंदर की लाइन डिलीट करनी है ताकि हम इसे प्रॉपर शेप दे सके। लाइन क्लिक करके डिलीट दबाएंगे, इस लाइन को क्लिक किया हमने, डिलीट दबाया, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके डिलीट दबाया। अब ये देखिए होलो शेप हमें पूरा मिल गया है और इसे हम सिलेक्ट करके और यहाँ पर ये देखिए ये आपको वेल्ड टूल दिख रहा है, इसे क्लिक करके हम इसे वेल्ड कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप तैयार मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी इसे हम वेल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग है। ये देखिए ये भी अलग शेप है, हमने सर्किल बनाया था। अब आपको ये आउटलाइन दिख रही है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। दोस्तों आप अपने हिसाब से जो खूबसूरत कलर लगता है वो कर सकते हैं। हमने इसमें रेड लिया है, यहां भी आप रेड फिल कर दें, रेड फिल कर दें। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप देखिए गौर से, इसमें ये आउटलाइन दिख रही है पतली पतली, ये हेयर लाइन है, इससे हम थोड़ा मोटी करेंगे। तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर ड्रैग करके पूरे इस ऑब्जेक्ट को एक साथ क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, और इसे आप ड्रैग करके छोड़ दीजिए तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी लाइन को मोटी करनी है। लाइन मोटी करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था F12 इसका शॉर्टकट है, आउटलाइन टूल, ये आउटलाइन पेन, ये आउटलाइन पेन खुल गया। अब यहाँ पर इसकी विड्थ में हम देखते हैं लगभग 5 पॉइंट करते हैं, और ये मैंने बताया था आपको बिहाइंड फिल कर देना है ताकि लाइन उसके ओवर ना हो, ऑब्जेक्ट के जो विड्थ है इसकी उसके ओवर लाइन ना हो, उसके बैक में रहे, स्केल विड्थ ऑब्जेक्ट, और उसके राउंड को हम गोल कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए कितना मोटा है, हमें और थोड़ा सा मोटा करना है इसे, तो इसे हमने 5 किया था, इसे हम 8 कर देते हैं, 8 में ऐसा। अब ये ब्लैक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे वाइट, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड वाइट है, अभी आपको दिख नहीं रही है। अब इसे सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए कंट्रोल पेस्ट कर सकते हैं आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और दूसरा शॉर्टकट है दोस्तों प्लस, कीबोर्ड पे प्लस का बटन आप पुश करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। हटा करके देखिए कॉपी हो चुका है, इसे आप वापस उसी के ऊपर रहने, जस्ट उसी के ऊपर ये कॉपी हो जाता है। अब हम इसकी आउटलाइन पर जाएंगे, F12 दबाएंगे, आउटलाइन पेन आएगा, इसकी विड्थ हमने 8 ली थी, इसे आप कर दीजिए 15 एक अंदाज से, चेक कर लेते हैं इसे कोई भी कलर करके। अब ये ऊपर है और इसकी जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, इसी की जो कॉपी है, उसकी लाइन हमने 8 ली है, तो ये उसके पीछे हाइड हो गया, दिख नहीं रहा, इसे हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के लिए आप कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल के साथ आप कीबोर्ड का पेज डाउन दबा दीजिए तो ये इसके बैक हो जाएगा, देखिए कैसे, इस प्रकार से। अब ये क्या हुआ, जो आउटलाइन हमने व्हाइट की थी वो आउटलाइन 8 पॉइंट उसकी विड्थ थी, तो वो आप देखिए सामने दिख रही है, और पीछे वाली जो आउटलाइन वो 15 की थी, वो ऑब्जेक्ट पूरा पीछे चला गया, तो ये क्या हुआ कि आउटलाइन आपको दिखने लगी कि इसमें ये आउटलाइन बनी हुई है। अब हम इसे थोड़ा सा और मोटा कर दें पीछे वाली आउटलाइन को, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा पीछे वाले को, होम को, और F12 आप दबाएंगे, देखिए 15 है, इसे आप 18 कर दीजिए। अब हमें इसे भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने अलग अलग किया है, इसका जो सर्किल है इसके आउटलाइन को भी आप 18 कर दीजिए, ये आउटलाइन पेन में जा करके ये 18 हो गई, और इसे भी 18 कर देंगे, दबा करके इनको हमने 18 कर दिया। अब इसका कलर हम बदल सकते हैं, कुछ ऐसा कलर ले लीजिए आप जो बहुत ही
अच्छा आपकी आंखों को लगे और जो आपके पसंद का हो वो आप इसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कलर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए है ना खूबसूरत। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप यदि आप इसे स्किप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि कुछ स्टेप जो है वो आपसे मिस हो जाएंगे और प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखिए, आप मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसमें हम और भी खूबसूरती लाने के लिए क्या करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ऑरा जानते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान की जो प्रतिमा या भगवान की जो फोटोज होती है उसके पीछे, उनके सर के पीछे एक ब्राइटनेस होती है, एक चमक होती है, दीप्ति होती है, उसे ऑरा कहते हैं, जो बहुत ही भगवान के या बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे हम दर्शाते हैं। उसका तरीका है वो मैं आपको बनाना बता रहा हूँ। देखिए हम अब आप देखिए यहाँ पर आएंगे हम फ्री हैंड टूल पे। इसका शॉर्टकट है F5। ये देखिए ये है फ्री हैंड टूल, इसे क्लिक करेंगे, ये लाइन, इस लाइन को आपको एक लंबा ट्रायंगल बनाना है। लंबा ट्रायंगल इक्वल बने उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए। सीधी लाइन खींचने के लिए देखेंगे हमने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल आप दबा देंगे तो लाइन ये बिल्कुल 180 डिग्री पे सीधी हो जाएगी। क्लिक करके छोड़ देंगे, ये सीधी लाइन हो गई। अब देखिए इसे मेजरमेंट लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एक लाइन आप यहां से लीजिए और इस लाइन को ला करके इस नीचे वाली लाइन में जहां पर हमने बनाया था उसके पास में हम क्लिक कर देंगे। अब ठीक इसी लाइन को हमने कॉपी करके इस तरफ लेनी है। उसका तरीका है प्लस, मैंने बताया था आपको, कीबोर्ड का प्लस दबाइए और यहां पर देखिए ये मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली, आप मिरर हॉरिजेंटल के इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइन इस तरफ आ जाएगी। ओके अब ये क्रॉस हो गई। हमें इसे उठा करके ऐसा आप कंट्रोल दबा कर कर सकते हैं ताकि वो अपने ही शेप में रहेगी, यहां वहां नहीं होगी, और इसे ला करके नीचे वाली लाइन के पॉइंट से टच कर देना है। अब ये देखिए ये मेजरमेंट एकदम इक्वल आ गया है। अब हमें बीच की लाइन की जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों हमें ट्रायंगल ऐसा चाहिए कि उसमें हम कलर फिल सके, फिल कर सके, तो उसका क्या तरीका है। अब ये लाइन दोनों अलग अलग है, कलर फिल नहीं होगा। सबसे पहले तो हम इसे ऊपर का ट्रायंगल को ज्वाइंट करेंगे। एक लाइन आप यहां लीजिए, कंट्रोल दबाइए और यहां ला करके टच कर। ये देखिए अब ये लाइन तीन अलग अलग है, देखिए एक दो और ये तीन। मैं देखिए सभी कुछ आपको मैनुअली बनाना बता रहा हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। हालांकि ट्रायंगल हम बना बनाए ले सकते हैं, मगर नहीं, आप उसे ड्रॉ करेंगे तो आपके काफी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपका हाथ भी काफी साफ होगा और आपको काम करने में मजा आएगा। ये तीन लाइन है, अब हमें इसे क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट करना है। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आना है, यह है कंबाइन, यानी तीनों लाइन कंबाइन हो जाएंगी। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल L। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। कंबाइन कर दिया, इसे क्लिक कर देंगे। ये अब करना क्या है, देखिए यदि आप कलर भरते हैं तो नहीं भरेगा, क्यों, क्योंकि कंबाइन तो कर दिया है मगर इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो अभी अटैच नहीं हुए। उसके लिए हमें करना है F10। F10 क्लिक करेंगे और देखिए इसे जूम करके दिखाता हूं मैं। ये देखिए दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसको आप ड्रैग करके लेफ्ट बटन दबा करके माउस का इस पे टच कर देंगे। जूम कर लीजिएगा, इसे ऐसा टच कर देंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ये ज्वाइंट हो गया, ये अलग आपको दिखने लगा, ज्वाइंट हो गया। ठीक इसी प्रकार हम इसके राइट साइड में भी आकर के इस पॉइंट को भी ऐसे ही इससे टच कर देंगे तो ये
जॉइंट हो जाएगा, ये देखिए। अब बचा नीचे वाला पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो है, ये देखिए, ये दोनों अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं आपको। इसको इक्वल थोड़ा सा इसे इधर लाइए, थोड़ा सा इसे इधर लाइए, ताकि इसका मेजरमेंट गड़बड़ ना हो। ये और इसको ला करके आप इसके ऊपर जॉइंट कर दीजिए। ये देखिए, हमने ब्लू कलर भरा था तो वो फिल नहीं हुआ था, मगर अब ये फिल हो गया है, ये आ गया। मगर दोस्तों, हमें यहाँ ब्लू कलर नहीं, येलो कलर लेना है, क्योंकि येलो एक वार्म कलर है, जिससे हमें एक ऊर्जा का आभास कराना है। पीछे जो ऑरा दिखता है वो चमकदार दिखना चाहिए, वो सूरज की ऊष्मा का प्रतीक है, सूरज के प्रकाश का प्रतीक है, तो हमें पीला कलर लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसके आउटलाइन की हमें जरूरत नहीं है, तो आउटलाइन कैसे हटाएंगे, मैंने बताया था, इस कट पर आइए, माउस का राइट बटन आप क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं सेट करके, देखिए हट गया इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी आउटलाइन इसके हट गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ब्राइटनेस दिखानी है। ब्राइटनेस अभी क्या, ये आउटलाइन पूरा सॉलिड दिख रहा है, इसे हम करेंगे ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, मेरे वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसकी प्लीज मत कीजिए, आप बड़े, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसे आप समझिए। वीडियो थोड़ा थोड़ा बड़ा बन सकता है, मगर आपको मैं पूरा पूरा सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। हम अब ट्रांसपेरेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, वो है ये, देखिए यह ट्रांसपेरेंसी टूल्स, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड टूल बॉक्स, टूल बार में आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी टूल, इसे हम क्लिक करेंगे और हमने थोड़ा सा ऊपर का एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देना है। यहां से आप रखिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए और हमने आगे इसके ऊपर को ड्रैग कर दीजिए, ऐसा लगभग इतना कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए। देखिए ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब आपको क्या करना है, आप इसे अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंसी ले आइए, ताकि ब्राइटनेस ऐसी चमकदार दिखाई दे। अब देखिए, ये एक हो गया। अब दोस्तों, गौर से देखेंगे आप, हमने क्या करना है, इसे चारों तरफ कैसे आप घुमाएंगे, चारों तरफ एक सा दिखे, और आप पूरा चारों तरफ होता है ना सर्किल में, तो अभी तो एक है हमारे पास। अब देखिए, आप उसके लिए पिक टूल पे आ जाइए, देखिए यहां पर हम पिक टूल क्लिक करेंगे और इसे आपने सिलेक्ट किया, ये देखिए इसमें ये 8 पॉइंट बन गए सिलेक्शन के। अब हमें बीच में, आपको देखिए, ये मैं जूम करता हूं, ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को फिर से क्लिक करना है, तो आपको ये ऐसा सर्किल बना हुआ छोटा सा दिखाई देगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ताकि ये यदि मूव करेंगे हम कहीं भी, इसे टर्न करेंगे तो इस पॉइंट से ये टर्न होगा, इसका मिड है। इसे हमने उठा करके लेफ्ट बटन क्लिक करके ला करके इसके सबसे नीचे रख देना है, ये यहां पर, और छोड़ देना है। अब होगा ये कि जब आप इसे टर्न करेंगे तो ये इस पॉइंट के हिसाब से टर्न करेगा, यानी यहां से इसे टर्न करेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहां पर जादू है, गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। यहां वहां बिल्कुल मत देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। हमने इसे चारों तरफ घुमाना है, आप इसे लेकर के लगभग इतना दूर रख दीजिए, और अब देखिए इसकी कॉपी कैसे होगी। आपने इसे ड्रैग किया, अब इसको लेफ्ट बटन को पुश रखिए, पुश एंड होल्ड एंड देन पुश द राइट बटन ऑफ योर माउस। आप अपने माउस के दाहिने बटन को क्लिक कीजिए और छोड़ दीजिए, ये कॉपी हो गई उसकी। अब देखिए, अब हमें एक सा ऐसा ही चारों तरफ करना है, उसका एक शानदार मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। आपको कंट्रोल प्लस करना है और डी, उससे क्या होता है, ये शॉर्टकट है डुप्लीकेट का। देखिए, मैंने कंट्रोल दबाया है और मैं डी, कंट्रोल पुश एंड होल्ड देन पुश द डी, एक बार ओके कर दीजिए, कंट्रोल जेड। देखिए, फर्स्ट टाइम था इसलिए ये अभी डुप्लीकेट इसमें बना नहीं था। अब देखिए, फिर से हम इसे करते हैं, अब आपको कंट्रोल प्लस डी दबाना है तो ये डुप्लीकेट बनता चला जाएगा। ये देखिए कैसा लगा दोस्तों, आपको लगी वो चमक जो ऑरा पीछे दिखाया जाता है। अब इसे आप सिलेक्ट करके पहले ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस जी,
ये ग्रुप हो गया। अभी अपन इसे थोड़ा यहाँ से हटा लेते हैं और इसे आप यहाँ पर ऐसा रख दीजिए। सेलेक्ट करके आपको ग्रुप करना था, एक छूट गया था उसमें गलती से। ये देखिए अभी पूरा ग्रुप हो गया है। अब आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे हम बड़ा कर लेते हैं, इसे बड़ा कर लिया। अब देखिए आपका ये ओम रखा हुआ है। अभी हमने इसमें कलर चेंज कर सकते हैं स्कीम इसके अकॉर्डिंग। आप इसे ग्रुप कर लीजिए, पूरा सेलेक्ट किया जैसे मैंने बताया कि आप ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल जी दबाइए, ये ग्रुप हो गया। अब आपको इसके बीच में रखना है। एक तरीका है कि आप मैन्युअली ऐसा उठा करके इसे बीच में रखें। दूसरा तरीका है आप इसे सिलेक्ट है और आप इस ऑरा को भी सिलेक्ट कीजिए। कैसे, दोनों एक साथ कैसे सिलेक्ट होंगे? आपको शिफ्ट दबाना होगा और इस ऑरा में क्लिक करना होगा। तो अभी ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब देखिए दोस्तों, इसको इसके मिड में लाना है बिल्कुल परफेक्ट। उसका शॉर्टकट है सी देन ई। ये इसके बीच में आ गया, मगर क्या हुआ, ये इसके पीछे चला गया। अब देखिए इसका तरीका मैंने एक बार आपको फिर बताया, बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। इसको सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और पेज डाउन कीबोर्ड का जो नंबर के बाद, नंबर के पहले जो रहता है होम एंड डिलीट बटन जहां रहते हैं वहां पर पेज डाउन दबाना है आपको कंट्रोल के साथ। आपने यदि ओरा को सिलेक्ट किया तो वो फ्रंट है तो उसे बैक ले जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये देखिए अब सिलेक्ट करने में क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा इधर राइट जा रहा है, तो इसे हम मैन्युअली उठा करके यहां पर ऐसा रख देंगे अपने हिसाब से। ये देखिए अब आपकी आंखें भी चौंधिया रही होंगी, देखिए कि ये पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसे अनग्रुप करके इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ग्रुप है, हम इसे अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप किया हमने, अभी पीछे वाली जो आउटलाइन हमने दी थी, ये पीछे वाली आउटलाइन को हम एक ऐसा कलर दे दें जो और ज्यादा अच्छा चमकता हुआ दिखे। वो आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर दे सकते हैं। अब आप देखिए इसमें आंखें जरा सा भी आपकी यहां से वहां होंगी तो आपको ये ऐसा घूमता सा प्रतीत होगा और इसमें हरकतें हुई होती ही सुनाई देंगी, दिखाई देगी। सॉरी, इसे और बड़ा कर देते हैं। शिफ्ट दबा करके इसे खींचेंगे तो प्रोपोर्शन में ये बड़ा हो जाएगा। हम यहां पर थे इसकी आउटलाइन में। इसकी आउटलाइन को आप रेड भी वापस रख सकते हैं। ये सिलेक्ट करके हमने इसे रेड कर दिया, ये भी काफी खूबसूरत लगेगा। अब और क्या कर सकते हैं, इसे हम कुछ और करके देखते हैं कि और खूबसूरती इसमें आती है या नहीं। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको कंट्रोल जेड करके फिर से बताता हूं। इससे हमने क्या किया, दोनों को, यानी दो ओम है, पीछे आउटलाइन वाला है और सामने पतली आउटलाइन वाला है, इसे हमने दोनों को जैसा कि मैंने बताया था पिक टूल लेकर के दोनों को ऐसा एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया ताकि हम जो भी इसमें ऑप्शंस देंगे वो दोनों पे एक साथ अप्लाई होगा। कंट्रोल जी करके इसे हमने ग्रुप कर दिया। अब दोस्तों यहां पर आइए टूल बार पे, यहां पे देखिए ड्रॉप शैडो टूल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इस ड्रॉप शैडो टूल पे हम क्लिक करेंगे। ड्रॉप शैडो टूल है यानी पीछे शैडो तैयार होता है। आप सेंटर में रख के माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करके छोड़ दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा, इक्वल पीछे शैडो आ गया। अब इस शैडो को हम कलर चेंज करके देखते हैं। शैडो को हम येलो करते हैं, शैडो को हम व्हाइट करते हैं। मुझे लगता है व्हाइट करने ज्यादा अच्छा, लेकिन व्हाइट कभी भी दोस्तों ध्यान रखिए व्हाइट करने में दिखता नहीं जब तक कि यहां पर ये देखिए आपको मर्ज मोड जो दिख रहा है, इस मर्ज मोड को जब तक कि आप नॉर्मल नहीं करेंगे व्हाइट नहीं दिखेगा। ये देखिए ये हो गया,
अब ये हम इसकी ओपेसिटी आएंगे, ओपेसिटी को बढ़ा देंगे, आप जितनी ओपेसिटी बढ़ाएंगे उतना ही डार्कनेस इसमें आ जाएगी। ओपेसिटी हमने बढ़ा दी, इसे आउटसाइड कर दिया। देखिए ये जो है फीदरिंग, फीदरिंग डायरेक्शन जो है इसे हमने क्या किया आउटसाइड, ताकि ये ब्राइटनेस आउट में दिखेगी, और यहां पर आकर के से स्क्वायर कर दीजिए इसे थोड़ा सा। ये क्या है दोस्तों, शेडो की फीदरिंग जो है, फीदर जो देते हैं तब उसमें जो बिखराव लाना रहता है उसे थोड़ा सा कम कर देंगे, 10 या 5 कर दीजिए आप। देखिए आप गौर से, तो ये पीछे देखिए, ये गौर से ये देखिए, ये जो वाइटनेस दिख रही है इससे ये काफी ज्यादा अच्छा और आकर्षक लगने लगा है दोस्तों। इसे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा ओम तैयार है, कितना सुंदर और आकर्षक लग रहा है। ये आपका अपना बनाया हो, कहीं की कॉपी नहीं रहेगी, इसे आप कहीं भी किसी भी कार्ड में, या आप कुछ भी ऐसी चीज बनाते हैं जो धार्मिक पुस्तक हो या कुछ भी हो उससे संबंधित, या किसी मंदिर में लगाना हो तो आप इसे वहां पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, ये तो एकदम शुरुआत है भी, छोटी सी। कोरल ड्रॉ इतना शानदार सॉफ्टवेयर है दोस्तों कि आपको काम करने में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप खो जाएंगे इसमें, यदि आपको रुचि है तो। और यदि रुचि है तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा, बस मैं आपका साथ चाहता हूं दोस्तों। यदि मेरा सिखाना आपको पसंद आता है, या नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, आप अपनी राय दें ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये ओम, आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में एक नई चीज लेकर के मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।